हेलो, मैं हूँ हरीम और हाजिर हूँ आपका पसंदीदा लंच बॉक्स लेकर। और आज का लंच बॉक्स तो कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ गया जिसका कई दिनों से सलमान खान के फैंस इंतजार कर रहे थे। आज है सलमान खान का 53वां जन्मदिन, और अपने जन्मदिन पर सलमान ने एक बड़ा वादा किया है। पर क्या है वो वादा, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सलमान का बड़ा ऐलान। नए साल पर फैंस को कर देंगे लाजवाब। लोगों को भरोसा है मुझ पर, और भरोसे से ज्यादा कुछ नहीं, भरोसे से ज्यादा कुछ नहीं। क्या करेंगे कोई चमत्कार? मेरी मदर ने मुझसे 4 दिन पहले कहा, क्या बनाया आपने इस साल का रेजोल्यूशन? ऐसे क्या रेजोल्यूशन? सलमान खान ने पहले क्रिसमस पार्टी में धमाल मचाया। और अब अपने जन्मदिन पर कर दिया एक बड़ा ऐलान। सलमान खान के लिए हर मायने में खास होने जा रहा है, पर इसे खास बनाने के पीछे कौन होगा? हालांकि अटकलें हैं कि सलमान के अगले साल को कुछ खास बनाने के लिए उनकी करीबी कटरीना कैफ भी हो सकती हैं, यूलिया वंतूर भी कोई ना भूलने वाला तोहफा दे सकती हैं, माँ सलमा ने भी सलमान के लिए खूबसूरत सपना संजो रखा है, और नन्हे भांजे आहिल से उनकी दोस्ती कोई नया गुल खिला सकती है। लेकिन बात शायद इतनी छोटी भी नहीं है। तभी तो सलमान ने जब से नए साल के लिए रेजोल्यूशन का जिक्र छेड़ा है, तभी से फैंस के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या वाकई 1 जनवरी तक कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो खुशनुमा एहसास दिलाएगा। सवाल ये है कि सलमान ने जन्मदिन पर माँ से क्या वादा किया है? ए, शादी कर लेंगे। बी, दोनों भाइयों के साथ फिल्म बनाएंगे। सी, गुस्सा छोड़ देंगे। या फिर डी, 6-pack एब्स बनाएंगे। जवाब ब्रेक के बाद। तो सलमान ने किससे क्या वादा किया, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार और। वैसे इंतजार तो सलमान खान के फैंस भी कर रहे हैं, वो भी केक लेकर उनके मुंबई के घर के बाहर। पार्टी शुरू हो गई, लेकिन उनके फैंस को अब तक इंतजार है उनकी एक झलक का, क्योंकि सलमान अपने बर्थडे के दिन फैंस से जरूर मिलते हैं। ईद, बकरीद और सलमान के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर फैंस के हुजूम से उनके स्टारडम का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी मौकों पर भले ही कम हो, लेकिन बर्थडे के मौके पर सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भारी भीड़ जमा होती है, जिनसे मिलने के लिए सलमान हर साल अपने फ्लैट की बालकनी में आते हैं। इस बार भी सलमान के घर के बाहर 26 दिसंबर की रात से ही फैंस जमा है, और जैसे ही 12 बजे सबने केक काटकर सलमान का जन्मदिन मनाया, जिसके बाद सलमान के लिए काटे गए केक की लूट मच गई। उनका हर फैन केक को पाने की कोशिश करता नजर आया। इसके साथ ही सलमान के फैन आतिशबाजी करते भी दिखे। यहाँ सलमान की फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर भी नजर आए। रात से शुरू हुआ सलमान के फैंस का जश्न सुबह होने तक चलता रहा। सलमान को सिर्फ देखने के लिए दूर दूर से चाहने वाले मुंबई पहुंचे हैं। सलमान का ये फैन रोहतक से मुंबई पहुंचा। 2 महीने पहले टिकट बुक करवा चुका हूं फ्लाइट से, तो मतलब अभी चांस मिला। पिछले साल सोच रहा था आऊंगा बट हो नहीं पाया, तो बट इस साल सब कुछ करके मतलब 2 महीने पहले टिकट बुक करवा लिया अपने, तो मतलब स्पेशल भाई से मिलने के लिए आया यहां पे। कोई रोहतक से आया तो कोई बिना सलमान को देखे वापस घर जाने को तैयार नहीं। अभी भाई के इंतजार कर रहा होगा, नहीं भी आया ना तो मैं 10 बजे तक यहाँ रहा देखने वाला, पूरा दिन होगा। सलमान का एक फैन उनके चेहरे का टैटू बनाए दिखा, तो कई फैंस ने उनकी फिल्मों के पोस्टर लहराकर अपनी दीवानगी जाहिर की।